मैं हूं निगा और आज हम बात करेंगे पीरियड्स में पेट दर्द क्यों होता है। देखिए पीरियड्स में पेट दर्द का होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको एक्सेसिव बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो इसका काफी गंभीर कारण हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसमें आप क्या इलाज कर सकते हैं इसमें आज आपको बताऊंगी। अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स के टाइम तो इसका क्या कारण है इसके बारे में आप हम बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स पीरियड्स के टाइम पर चिड़चिड़ापन होना नॉर्मल है, पीरियड्स के टाइम पर दर्द होना भी नॉर्मल है। अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको दर्द होता ही है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स में बहुत तेज दर्द हो लगातार दर्द रहे तो ये एबनॉर्मल है। नॉर्मल अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड्स के दौरान आपको थोड़ा बहुत दर्द होता ही है, लेकिन एक्सेसिव पेन होना बहुत ही प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है आपके अंदर कोई प्रॉब्लम। तो देखिए पेनफुल पीरियड को डिसमेनोरिया बोला जाता है। अब डिसमेनोरिया जो होता है वो दो टाइप का होता है, पहला होता है स्पास्मोडिक डिसमेनोरिया और दूसरा होता है कॉन्जेस्टिव डिसमेनोरिया। अब स्पास्मोडिक जो डिसमेनोरिया होता है जो पहला वाला होता है इसमें क्या होता है आपको जो पेन होता है पीरियड के पहले दिन और दूसरे दिन रहता है और अपना आप जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे अपना दर्द खत्म होता है, इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है, मतलब नॉर्मल पीरियड वाला आपको दर्द रहता है तो उसको बोलते हैं स्पास्मोडिक डिसमेनोरिया। जो दूसरा होता है कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, इसमें क्या होता है जो आपका पेन होता है पीरियड में पीरियड के कुछ दिन पहले से स्टार्ट होता है। जैसे आपको पीरियड मान लीजिए 10 तारीख के हैं तो आपको 5 तारीख से पीरियड पेन स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा पीरियड के लास्ट तक आपको दर्द रहता है तो इसको बोलते हैं कॉन्जेस्टिव डिसमेनोरिया। समझ में आ गया आपको, दोनों दो तरीके के होते हैं। तो कॉन्जेस्टिव डिसमेनोरिया में आपको कुछ भी मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है तो उसमें क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या होता है कंजेस्टिव डिसमेनोरिया जो होता है ये किसी अंडरलाइन कंडीशन के कारण हो सकता है तो इसमें आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब कॉमन रीजन क्या है पेनफुल पीरियड्स के, सबसे पहला रीजन आपका हो सकता है जेनाइटल एरिया इन्फेक्शन का होना, दूसरा रीजन हो सकता है बच्चेदानी की लाइनिंग में उसकी जो वॉल होती है उसकी वॉल में या फिर ट्यूब्स में इन्फेक्शन ना हो, जो बच्चेदानी की वॉल होती है उसमें या फिर जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है वो या फिर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें इन्फेक्शन होने के कारण आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन होता है। तो दिस इन्फेक्शन इज नोन एज पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID। PID होने के कारण भी आपको जो होता है पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अब बात करें PID यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज तो इसके क्या कारण, देखिए आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, इन्फेक्शन के टाइम आपको बहुत ज्यादा इंटरकोर्स के टाइम आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसके अलावा आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए अगर आपके साथ ये चीजें हो रही है। अब सेकंड रीजन आपका होता है फाइब्रॉइड्स, बच्चेदानी में रसौली बन जाती है इसकी वजह से आपको पेनफुल पीरियड्स होता है, पॉलिप्स होने के कारण आपको आपको पीरियड्स में पेन हो सकता है तो ये दूसरा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस, इसमें क्या होता है जो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जो लाइनिंग हर महीने अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो एज ए पीरियड शेड ऑफ हो जाती है तो ये जो लाइनिंग का टिश्यू होता है ये कई बार बच्चेदानी के बाहर ग्रो करने लग जाता है इसकी वजह से आपको पीरियड्स में पेन होता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं आपका एबनॉर्मल कंडीशन, ये आपकी होती है इसी में आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा अगर बात करें हाउ टू मैनेज पेनफुल पीरियड्स तो देखिए अगर तेज दर्द रह रहा है तो आपको एक तो गर्म पानी की जो बॉटल होती है उसको आपको जो एब्डोमेन है आपका नीचे वाला पेट का एरिया है उस पर आप सिकाई कर सकती है, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दूसरा आप किसी भी एसेंशियल ऑयल से अपने पेट की मसाज करें, बैक साइड की मसाज कराएं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तीसरा आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको बिल्कुल नहीं करते हैं करनी चाहिए, इसकी वजह से आपको ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा आपको कैफीन, चाय और सॉल्टेड चीजें आपको अवॉइड करनी है। आप एक चीज और कर सकती हैं, आप दालचीनी वाली चाय पी सकती हैं यानी कि जो सिनेमन पाउडर होता है एक कप पानी लेना है उसमें एक चम्मच दालचीनी डालनी है और उसको अच्छे से पका लेना है, उसके बाद उसको ठंडा करके आपको पीना है, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा और इसमें आपको पेट दर्द भी नहीं होगा। दूसरा
आप इससे आपको जो आपके अंदर ब्लीडिंग है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से काफी रिलीफ आपको मिलेगा। और इसके अलावा आप मेडिसिन में पैरासिटामोल खा सकती हैं, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज आप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।